Dear students, alaikum. Today is 24th June 2020, Wednesday, and I am your English teacher going to deliver a visual lecture for the glossary, question answers, and MCQs of unit number four. My lecture is for 10 boys and girls. Dear students, hope you are fine. If you have any problem in queries about the previous lectures, you may ask. As you know, students, we have started our summer vacation homework from the textbook. As well as grammar and composition And completed the reading translation of paragraph number 1, 2, 3 From unit number 4 First aid Iptidai tibbi imdad As we read that The lesson is about giving first aid to an injured or a sick person First aid means responding to an emergency situation So we can say that The immediate medical treatment Given to an injured or a sick person Is called First aid. Before translating the last paragraph, we will overview the previous lecture. In the previous lecture, we read that a life can be saved by having a basic knowledge of what to do in emergency and knowing proper first aid procedures. Basic training in first aid skills should be taught in schools, in workplaces, and in general, be learnt by all. एज़ इट इज मैंडेट्री टू आर मॉडर्न एंड सट्रेसफुल लाइफ सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रीडिंग एंड ट्रांसलेशन जैसा कि हम जो है वो पढ़ रहे थे फर्स्ट एड किट के बारे में डिटेल हमने उसमें देखा था कि कौन कौन सी चीज़ें हमें कॉन्टेंट्स कौन कौन से हमें रिक्वायर्ड हैं जिनको अपने जो है वो फर्स्ट एड किट या बॉक्स में शामिल करके हम अपने घर में एक जो है वो ईजीली एक्सेबल जो है वो फर्स्ट एड बॉक्स बना सकते हैं ठीक है उसमें हमने देखा था कि फ़र्स्ट एड बुक हमने पढ़ा था उसके बारे में बैंडेड्स के बारे में पढ़ा था इलास्टिक बैंडेजेस थी जिनके बारे में हमने पढ़ा था गोज एंड एडहेसिव टेप की डिटेल हमने पढ़ी थी तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है फिफ्थ वन वो है एंटीसेप्टिक वाइप्स एंड कॉटन वूल एंटीसेप्टिक वाइप्स जिसे अल्कोहल स्वैब्स भी बोलते हैं ठीक है उर्दू में इसे जरासीम से पाक साफियाँ या कपड़ा कहते हैं लाइक like, जिस तरह से वाइप्स होते हैं आपने देखे होंगे छोटे बच्चों के वाइप्स होते हैं जो कि वेट टिश्यू होते हैं इसी तरह से ये एंटीसेप्टिक वाइप्स होती हैं जो कि पेशेंट्स के लिए ख़ास तौर पर अल्कोहल से डूबी हुई या फिर जो है वो जरासीम से पाक जो है वो साफियाँ इन्हें कहते हैं और कॉटन वूल आपको पता है जैसे कि इमेज में दिखाया गया है कि इसे रूई को कहते हैं और अल्कोहल फैब जो है वो आप देख रहे हैं ये भी आपको मैंने इसीलिए इमेज प्रोवाइड किया है ताकि आप प्रॉपरली जो कॉन्सेप्ट है उसको अंडरस्टैंड कर सकें ठीक है तो ये जस्ट हेडिंग है इसकी आगे डिस्क्रिप्शन कोई भी नहीं है जरासीम से पाक साफियाँ और रुई ठीक है सिक्स पॉइंट है नेक्स्ट हमारे पास सेफ्टी पिन्स एंड ट्वीज़र्स सेफ्टी पिन्स बक्सुए एंड ट्वीज़र्स और चिमटियाँ ठीक है छोटी चिमटियाँ जैसा कि इमेज में आप देख रहे हैं कि बकसुए सेफ्टी टिपिन जिसे आम रूटीन में भी हम इस्तेमाल करते हैं ये पट्टियों को आ, जो कि ज़्यादा हैवी या इलास्टिक बैंडेज वगैरह हैं जैसे लचकदार मोटी पट्टियाँ जिनके ऊपर टेप जो है एडहेसिव टेप कोई काम नहीं करती ठीक है उनके ऊपर बक्सुए इस तरह के जो है वो लगाए जाते हैं अगर स्लिंग वगैरह बनाना हो यानी गले में लटकाने के लिए जो स्लिंग बनाते हैं अगर फ्रैक्चर हुआ हो आम इसी तरह से ये जो चिमटियाँ हैं ट्वीज़र्स हैं ये भी आ, जो है वो डॉक्टर्स अपने ऑपरेट में या डिफरेंट परपज़ के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं सेफ्टी पिंस एंड ट्वीज़र्स बक्सुए और चिमटियाँ फिर है सेवन्थ पॉइंट हमारे पास सीजर्स केंची। अ पेयर ऑफ सीजर्स इज़ नीडेड टू कट द टेप एंड गॉज अ पेयर ऑफ सीजर्स कैंची ठीक है कैंची इस तरह से आ, जो है वो आ, इसको जब प्रॉपरली हमने आ, बताना है सीजर्स को तो हमने इसको पेयर ऑफ प्रौप सीजर्स ही बोलना है इसका मतलब ये नहीं है कि दो कैचियाँ बल्कि इसका प्रॉपर जो इंग्लिश में इसकी इसके लिए वर्ड हम यूज़ करते हैं वो पेयर ऑफ सीजर्स है ठीक है कैंची इस नीडिड की ज़रूरत होती है टू कट द टेप काटने के लिए टेप एंड गॉज सूती पट्टी और टेप को ठीक है uh, सूती पट्टी और टेप को काटने के लिए कैंची की ज़रूरत होती है इस वजह से फर्स्ट एड बॉक्स में सीजर्स का होना भी बहुत ज़रूरी है उसके बाद है बेटा हमारा एट पॉइंट लेटेक्स ग्लव्स जिसे रबड़ के दस्ताने उर्दू में कहते हैं इमेज में जैसा कि आपको नजर आ रहे हैं ब्लू और वाइट कलर में भी आपको अवेलेबल होते हैं फार्मेसीज़ पे लेटेक्स ग्लव्स आर ऑलवेज़ अ गुड आइडिया इस्पेशली इफ यू आर डीलिंग विद बॉडी फ्लूड्स फ्राम स्ट्रेंजर लेटेक्स ग्लव्स रबड़ के दस्ताने आर ऑलवेज़ हमेशा अ गुड आइडिया एक अच्छा ख्याल है इस्पेशली ख़ास तौर पर इफ़ यू आर डीलिंग अगर आप जो है वो निमट रहे हैं विद बॉडी फ्लूड्स जिसम के स्याल मादों से ट्रामा स्ट्रेंजर किसी अजनबी के ठीक है बॉडी फ्लूड्स में आप ब्लड भी आ जाता है पीप वगैरह भी आ जाती है यानी जब आप किसी भी स्ट्रेंजर किसी भी अजनबी पर्सन के जो है वो बॉडी फ्लूड्स के साथ निमट रहे हैं यानी खून वगैरह रोकने की कोशिश कर रहे हैं या जो है वो कोई भी जख्म साफ कर रहे हैं ड्रेनेज उसकी साफ कर रहे हैं पीप का अखराज तो लेटक्स uh, क्लव का इस्तेमाल करना जो है वो बेहद अच्छा आइडिया है रूटीन में भी अब तो आपको पता है कि सिचुएशन uh, कुछ इस तरह से हुई है कि uh, ये जो uh, एक uh, वबा है कोविड 19 कोरोना वायरस उसकी वजह से रूटीन में बहुत सारे लोग जो है वो घरों में घरों से बाहर निकलते हुए जो है वो अपनी एहतियात के तौर पर लेटक्स uh, क्लव को इस्तेमाल करते हैं ठीक है तो इससे बीमारी का जो फैलने का खतरा है या जरासीमों के फैलने का जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है लेटेक्स ग्लव्स आर ऑलवेज अ गुड आइडिया इस्पेशली इफ़ यू आर डीलिंग विद बॉडी फ्लूड्स फ्राम अ स्ट्रेंजर रबड़ के दस्ताने हमेशा एक अच्छा ख्याल हैं ख़ास तौर पर जब आप एक अजनबी शख्स के जिसम के सयाल मादों से निमट रहे हैं फिर है कैलेमाइन लोशन नाइन्थ पॉइंट है हमारा केलेमाइन लोशन कैलेमाइन लोशन जो है कैलेमाइन लोशन एक स्पेसिफिक जो है महलूल है ख़ास बना हुआ कार्बोलिक एसिड का ठीक है उसके महलूल में एक जो है वो हलशुदा केलेमाइन और ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है ये लोशन जल्दी जितनी भी बीमारियाँ हैं जिसमें खारिश वगैरह है आ, या और डिफरेंट परपज़ हैं यानी स्पेसिफिकली ये स्किन की प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है कैलेमाइन लोशन कैलेमाइन लोशन इज़ यूज फॉर सूदिंग सनबर्नस एंड स्टिंग्स कैलेमाइन लोशन कैलेमाइन लोशन इसे उर्दू में कहेंगे इज़ यूज इस्तेमाल होता है फॉर सूदिंग द पहुँचाने के लिए आराम पहुँचाने के लिए सनबर्नस धूप से पैदा होने वाली जो जलन है यानी बहुत सारे लोगों की स्किन इस कह सेंसिटिव होती है कि अगर वो धूप में तेज़ बहुत ज़्यादा लू या धूप में फिरें तो उनकी जो स्किन रैश जो है वो स्किन पे रैश हो जाते हैं Uh, उसे सनबर्नस बोलते हैं ठीक है एंड स्टिंग्स और स्टिंग यानी डंग मारना uh, जो हषरात लाइक वैसप वगैरह है या शहद की मक्खी है ठीक है या कोई भी और जिन uh, जिनका डंग होता है वो हषरात कीड़े मकोड़े जिनका डंग हो उनके डंग मारने पर भी uh, जो है वो अगर हम कैलेमाइन लोशन लगा दें तो ये भी एक बहुत ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ है कैलेमाइन लोशन इज़ यूज फॉर सुदिंग सनबर्नस एंड स्टिंग्स कैलेमाइन लोशन धूप से पैदा होने वाली जलन और डंग मारने पर तस्किन के लिए इस्तेमाल होता है फिर उसके बाद है क्लिनिकल थर्मोमीटर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके फर्स्ट एड बॉक्स की तिब्बी थर्मामीटर जिसे कहते हैं और आमतौर पर भी ये घरों में आ, आ, रखा जाता है जो कि आपका टम्परेचर जो है वह मैय करने के लिए इस्तेमाल करते हैं फिर उसके बाद है एनलजेसिक टैबलेट्स एनलजेसिक टेबलेट्स सच एज एस्परिन और पैरासीटामोल एलजेसिक टैबलेट्स होती हैं जितनी भी दर्द को ख़त्म करने वाली दवाइयाँ हैं टैबलेट्स हैं उनमें बहुत सारी आ जाती हैं लाइक एस्परिन है पैरासीटामोल है, है पैनाडॉल है और जितनी भी जो कि पेन किलर्स जिन्हें हम आम जुबान में कहते हैं उन्हें आम तौर पर भी ये घरों में हम अपने पास रखते हैं ये सारी की सारी टैबलेट्स जो हैं या कैप्सूल्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं एनर्जेसिक टैबलेट्स सच एज as एस्प्रीन और पैरासीटामोल जैसे कि स्प्रीन या पैरासीटामोल ठीक है ये हमारा आ, लेसन था आम, एंड था इसके ये डिफरेंट पॉइंट्स थे हमने पढ़े जो कि आपके फर्स्ट एड किट या बॉक्स में होने ज़रूरी हैं और ये बहुत सारी वो चीज़ें हैं कि जो कि आमतौर पे हमारे घरों में मौजूद होती हैं और जैसे कि मैंने पहले भी अपने लेक्चर में बताया था कि हम इनको अगर एक जगह पे एक बॉक्स में रख के उसके ऊपर स्पेसिफ़िक ये निशान फर्स्ट एड बॉक्स का लगा लें तो ये एक अच्छी एक्टिविटी भी है आपकी और ज़रूरत के वक्त आपको इधर उधर जो है वो चीज़ें तलाश नहीं करनी पड़ेंगी बल्कि एक चीज़ आपके पास प्रॉपर फॉर्म में एक जगह पर मौजूद होगी ठीक है उसके बाद हमने जो है वो थीम डिस्कस करना है चैप्टर के एंड पे आपको थीम नज़र आ रहा है ठीक है इसमें आ, जो है चैप्टर के इंट्रो में देखा फर्स्ट एड मीन्स रिस्पोंडिंग टू एन एमरजेंसी सिचुएशन इब्तदाई तबी इमदाद का मतलब है हंगामी सूरत हाल में कोई भी रद्द अमल एक्सीडेंट्स हैपन ऑलवेज अनएक्सपेक्टेडली हादसा हमेशा गैर मतवक़ तौर पर वाक़ होते हैं यानी जिनकी तो नहीं होती उम्मीद नहीं होती बट अ लाइफ कैन भी सेव्ड बाई हैंग असिक नॉलेज ऑफ वट टू डू इन एन एमरजेंसी एंड नोइंग प्रॉपर फर्स्ट एड प्रोसीजर्स लेकिन इस बात का बुनियादी इल्म रखते हुए कि नागहानी सूरत हाल की सूरत में क्या किया जाए और इब्तदाई तबी इमदाद के मुनासिब तरीक़ार को जानते हुए कोई भी जिंदगी बचाई जा सकती है बेसिक ट्रेनिंग इन फर्स्ट एड स्किल्स शुड बी टॉट इन स्कूल्स इन वर्क प्लेस एंड इन जनरल बी लर्न बाई ऑल एज इट इज मैंडेटरी टू आर मॉडर्न एंड स्ट्रेसफुल लाइफ बेसिक ट्रेनिंग बुनियादी जो तरबियत है इब्तदाई तबी इमदाद की महारतों की वो स्कूलों काम की जगहों पर पढ़ाई जानी चाहिए और आम तौर पर तमाम लोगों को ये सीखनी चाहिए क्योंकि ये हमारी जदीद और दबाव वाली ज़िंदगी के लिए हदायत की वजह है ठीक है क्योंकि हमने चैप्टर में भी यही पढ़ा है कि जितनी भी वर्क प्लेसिस हैं लाइक फैक्ट्रीज़ हैं कारखाने हैं या ऑफिसज़ हैं इसके साथ साथ और ख़ास पर घरों में भी लोगों को इसमें आ, जो फर्स्ट एड स्किल्स हैं इनमें बहुत ज़्यादा महारत होनी चाहिए इसके साथ साथ हमने जो है वो ग्लोसरी करनी है इस चैप्टर की यूनिट नंबर फोर की ग्लोसरी आपको पता है आपने ऑब्जेक्टिव पार्ट के लिए तैयार करनी होती है आपका जो एनअल पेपर है उसमें ऑब्जेक्टिव पार्ट जो कि 19 मार्क्स का होता है उसमें कलेक्टिवली 9 मार्क्स यानी 5 मार्क्स और 4 मार्क्स ये दो पोर्शन जो हैं स्पेलिंग और सिनानम्स वाले आपके ग्लॉसरी से रिलेटेड होते हैं ग्लॉसरी आपको पता है आपने जो गिवन वर्ड्स हैं बोल्ड फॉर्म में उनको याद करना है विथ स्पेलिंग ठीक है और उसके साथ साथ उसके सामने दिए गए जो इंग्लिश वर्ड हैं इंग्लिश मीनिंग उसके सिनानम्स uh, जिसे कहते हैं मुतरादफ़ उसको आपने प्रिपेयर करना है ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ, जो है वो बहुत से एम आपको पता है प्रीवियस पेपर में आपने देखा है कि ग्लॉसरी से रिलेटेड होते हैं और बहुत सारे वो वर्ड्स होते हैं जो कि टेक्स्ट पढ़ते हुए आपने उन वर्ड्स को अंडरलाइन किया है डिफ़िकल्ट वर्ड्स को और उनके ऊपर आपने मीनिंग लिखे हैं जिसको मैंने आपको बताया था साथ साथ कि आपने तैयार करना है अपने ऑब्जेक्टिव पार्ट के लिए ग्लॉसरी में भी आप देखेंगे बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आपकी टेक्स्ट में ही मौजूद थे जो कि आपने अंडरलाइन किए थे इनको देख लें Uh, आपने उर्दू मीनिंग भी लिख लेना है अपने कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बाकी इंग्लिश जो मीनिंग या सिनम है वही आपके पेपर में आता है ठीक है यानी उर्दू मीनिंग आपका पेपर में नहीं आता फर्स्ट वर्ड है हमारा ग्लॉस्री में एक्सेसिबल एक्सेसिबल जिसका मतलब होता है काबिल रसाई ईजी फॉर एनी वन टू ऑप्टेन एंड यूज़ आसानी से काबिल हसूल या काबिल इस्तेमाल ठीक है इस्तेमाल और uh, जो है वो हासिल करने में जो आसान हो किसी के लिए भी नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडहेसिव एडहेसिव जिसका मतलब होता है चिपकने वाला मादा स्टिकी या ग्लोई एंटीबायोटिक जो कि जरासीम कश हो आ, जरासीम कश दवा इसे हम कहते हैं असबस्टांस विच इज़ कैपेबल ऑफ डिस्ट्राइंग और इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसा मवाद जो कि बैक्टीरिया की बढ़ोतरी के लिए आ, उसको रोके और इसके साथ साथ उनको नुकसान पहुंचाए बैक्टीरिया और दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं जरासीम हैं उनके लिए जो आ, जो है वो आ, उनको नुकसान देने का बायस बने उस दवाई को या उस मादे को जो है वो एंटीबायोटिक कहते हैं फिर उसके बाद है वर्ड आपका इन्फेक्शन इन्फेक्शन जिसका मतलब होता है मुतदी लग जाने वाली एक से दूसरे को बीमारी एजेंसी बाई विच डिजीज इज़ कॉज और ट्रांसमिटेड वो चीज़ जिससे बीमारी जो है वो लग